फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो T3 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन को ना फैक्ट्री रीसेट आप कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको फैक्ट्री रीसेट करने का तरीका बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको फैक्ट्री रीसेट करने से पहले आपको किन किन बातों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, फैक्ट्री रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पर टैप करना है। अब यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट या फिर फैक्ट्री रीसेट आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको नीचे ये ऑप्शन दिखेगा, इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करेंगे तो इससे आपका फोन जो है फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इजिली आप फोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि मोबाइल फोन को फैक्ट्री रीसेट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, चार बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपको अपने फोन का जो सिम कार्ड होता है ना, निकाल के बाहर रख लेना है, ठीक है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन में कोई भी मेमोरी कार्ड SD कार्ड लगा रखा है ना, तो उसे आपको मोबाइल से बाहर निकाल के रख लेना है। तीसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपने अपने फोन का जो डेटा होता है ना, सारे के सारे डेटा का बैकअप ले लीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि डाउनलोड ऐप्स होते हैं, सिस्टम ऐप डेटा होता है, गूगल अकाउंट होता है, आपका म्यूजिक, फोटो, वीडियो, अदर डेटा होता है, मतलब जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, ठीक है। और बैकअप लेने का फायदा क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और चौथी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जो Gmail ID होती है ना, Gmail ID और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है, लिख के रख लेना है, ठीक है। चार काम पहले करना है फोन को फैक्ट्री रीसेट करने से पहले, ठीक है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि बैकअप लेने का फायदा क्या होता है, मोबाइल फोन के डेटा का बैकअप लेने का फायदा क्या होता है। देखिए, जब आप बैकअप ले लेते हैं ना अपने फोन में पहले, ठीक है, बैकअप ले लेते हैं और फिर उसके बाद जब फैक्ट्री रीसेट करेंगे तो आपके फोन के अंदर का सारा डेटा डिलीट हो जाता है। आपका फोन जो है अंदर से एकदम नया हो जाता है, जैसा दुकान से खरीद के लाते हैं, यानी कि अंदर का सॉफ्टवेयर मोबाइल का एकदम नया हो जाता है फैक्ट्री रीसेट करने से। और देखिए, फैक्ट्री रीसेट करने के बाद आपका डेटा तो डिलीट हो गया, लेकिन जब आप अपने फोन में दोबारा से पहले वाली Gmail ID को लॉग इन करेंगे ना, जो मैंने आपको बोला था लिख के रख लेनी है पासवर्ड भी, तो वो Gmail ID जब दोबारा से लॉग इन करेंगे ना, तो आपके फोन का डेटा वापस आ जाता है, सारा का सारा जो डिलीट हो गया था ना, सारा का सारा वापस आ जाता है। क्योंकि बैकअप लेने का ये फायदा हो जाता है, डेटा डिलीट होने के बाद भी Gmail ID दोबारा लॉग इन करते हैं तो हमारा डेटा वापस आ जाता है हमारे फोन में, ठीक है। तो बैकअप लेने का फायदा हो जाता है मोबाइल फोन में डेटा का बैकअप लेने का, ठीक है। तो दोस्तों, फाइनली मैंने आपको बता दिया इस तरीके से आप अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, ठीक है।